अगली खबर लखनऊ से, जहां फर्जीवाड़े से पास की पुलिस भर्ती परीक्षा जो है, यानी जो पुलिस भर्ती की परीक्षा है वो फर्जीवाड़े से पास की है और 2018 में आयोजित हुई थी सिपाही भर्ती परीक्षा। परीक्षा में अभ्यर्थी ने अपनी जगह सोल्वर को बिठाया था। शारीरिक और मानसिक परीक्षा के दौरान इसका खुलासा हुआ। पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड की तरफ से केस दर्ज किया गया है। बोर्ड के डिप्टी एसपी ने आरोपी पर दर्ज कराई है एफआईआर और डिप्टी एसपी ने हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। मिर्जापुर के मंगला प्रसाद पर केस दर्ज हुआ है। और नीलेश इस पे ज्यादा जानकारी लखनऊ से हमारे संवाददाता देंगे। नीलेश, कैसे फर्जीवाड़ा ये भर्ती में हुआ, कैसे इसका खुलासा हुआ? बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2018 में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर जो उत्तर प्रदेश के युवा थे उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दिया था। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले शारीरिक परीक्षा होती है, उसके बाद मानसिक और उसके बाद अगर हम बात करें तो रिटेल एग्जाम होता है। तीन एग्जाम पास करने के बाद आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्त किया जाता है। 2018 में जिस तरीके से भर्ती का आयोजन किया गया उसमें भी सेंधमारी की गई है और अब उस सेंधमारी का जब पता लगा है तो मिर्जापुर के रहने वाले मंगला प्रसाद पर लखनऊ के हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। भारतीय प्रबंधन बोर्ड के एसपी ने ये मुकदमा दर्ज कराया है क्योंकि जिस समय शारीरिक परीक्षा हुई और उसके बाद जब लिखित परीक्षा हुई तो दोनों में बायोमेट्रिक अलग अलग पाए गए, यानी कि दो अलग अलग लोगों ने परीक्षाएं दी थी, लिखित परीक्षा किसी और ने दी और जो है उसके अलावा जो फिजिकल एग्जाम होता है वो किसी और ने दिया। उन्हीं तमाम चीजों का जब मिलान गड़बड़ पाया गया, गड़बड़ पाने के बाद जो है फर्जीवाड़े को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया। इससे पहले भी कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने के साथ साथ जेल भेजा गया है। कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में भी अगर इस तरीके से चेनमारी हुई है तो जाहिर सी बात है तमाम अभ्यर्थियों का डाटा संभाला जाएगा कि उस दौरान जो भर्ती हुए पुलिस के जवान हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है डॉलर गैंग का सहारा लिया है। फिलहाल अब मिर्जापुर के जो सरोई बाबू निवासी मंगला प्रसाद है इनकी मुसीबतें बढ़ी है क्योंकि इन्होंने 2018 में परीक्षा व्यस्त करके पास कर लिया लेकिन उसके बाद जब अब मिलान हुआ है मिलान के दौरान दोनों चीजें अलग अलग पाई गई है। कहीं ना कहीं अब इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से की जाएगी। बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। तो बायोमेट्रिक निशान अलग होने से इस बात का खुलासा हुआ और फर्जीवाड़े से पुलिस भर्ती परीक्षा पास की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।